सभी को राम राम। मैं पारस गाबा हरियाणा पानीपत से एक बार दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम हमारे चैनल पर गाड़ियों का बिल्कुल ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू डालते हैं ताकि हमारे व्यूवर इजीली डिसाइड कर पाए कि उस गाड़ी को खरीदे या नहीं, उस पर पैसा लगाए या नहीं। उसी तरीके से आज एक ऐसी गाड़ी लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो मारुति की है, लेकिन काफ़ी महंगी है। महंगी क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन चलाने में वो काफ़ी सस्ती पड़ती है। तो आज सामने आपके लेकर आए हम ग्रैंड विटारा, ओनर हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम सारी बातें करेंगे। तो चैनल पर स्वागत करते हैं अमित जी का। थैंक यू सो मच। तो अमित जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताइए आप करते क्या हैं ताकि थोड़ी जान पहचान हो पाए। हाय, मेरा नाम अमित है एंड बेसिकली मैं हरियाणा पानीपत से हूँ एंड मेरा जो प्रोफेशन है वो IT का है एंड हम ऑल ओवर इंडिया वर्क करते हैं विद सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन सा वेरिएंट है सबसे पहले तो ये बताओ ग्रैंड विटारा का? ये ग्रैंड विटारा का टॉप मॉडल है, ठीक है, अल्फा प्लस एंड इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं है, ठीक है। और लगभग कितने का ऑन रोड ये पड़ गया था आपको? ये 23 लाख का। 23 लाख रुपए की मारुति की गाड़ी जी। देखो 23 लाख का जब बजट होता है ना, इतनी सारी गाड़ियां आ जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाती है, स्कॉर्पियो ले लो, यहाँ तक कि पुरानी फॉर्च्यूनर भी ले लो, ठीक है, एक से एक गाड़ी। तो फिर भी आपने मारुति की एक नई गाड़ी को चूज किया जिसकी अभी रिलायबिलिटी और किसी चीज का पता नहीं, ऐसा क्यों रहा? ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये नॉर्मल था सभी का मेरे लिए। उसका रीजन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मारुति गाड़ी, हाँ जी, जिसको हम सेफ्टी के मामले में बोलते हैं कि जीरो है, जीरो है। तो मैं MG में गया, महिंद्रा में गया और किया में गया और फिर मैं मारुति में गया, हाँ जी। तो मेरे को ना सभी गाड़ी लुक वाइज एंड फ्यूचर वाइज सभी गाड़ी मेरे को अच्छी लगी, बिल्कुल। लेकिन मेरा जो एक जो सबसे मेन मेरा जो कॉमन था ना, मेरा एक क्वेश्चन था कि इसकी एवरेज क्या रहेगी, माइलेज क्या रहेगी, रनिंग कॉस्ट क्या रहेगी। एक्चुअली इसका रीजन ये था क्योंकि मेरी जो रनिंग है मेरी ज्यादा है, ठीक। अमित जी, ये गाड़ी आपने कब खरीदी लगभग? मैंने ये अप्रोक्स 3 महीने पहले परचेज किया था इस गाड़ी को। और कितनी चला दी 3 महीने में? ये रनिंग अप्रोक्स 18,000 किलोमीटर। 18,000 किलोमीटर 3 महीने में? 3 महीने में। मतलब सड़क ही नापते हो आप। बता तो दिया मैंने कि यार मेरा, मैंने जो गाड़ी ली है वो फिल एफिशिएंसी को देखते हुए ली है। मतलब डीजल गाड़ी चलाने वाला भी इतनी गाड़ी नहीं चलाता जितनी आपकी चलती है, 6,000 किलोमीटर महीने में। हाँ, मेरा रनिंग कुछ ज्यादा ही है। बहुत सही है यार, भगवान करे मुझे भी कोई ऐसा धंधा मिले मैं गाड़ी चलाता रहूं। तो ये गाड़ी आपको कितनी फ्यूल एफिशिएंसी दे रही है? ये गाड़ी अभी यदि मैं लोकल में इसको ड्राइव कर रहा हूँ इस गाड़ी को, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 21-22 किलोमीटर लोकल में देती है। लोकल में, ठीक है। और हाईवे पे, यदि मैं हाईवे पे इसकी बात करूं 100-110-120 के बीच की, मैं यदि रनिंग की बात करूं इसका, हाँ जी, इसका माइलेज देता है 25+ देती है आपको। ओके, 25+ पेट्रोल में, ठीक है। और मैक्सिमम माइलेज एक कांस्टेंट स्पीड पे कितने निकाल पाए अब तक? मैंने अभी जो इसकी माइलेज निकाली मैक्सिमम 32 मैंने इसके ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ये मुझे झूठ लग रहा है, बाकी आप कह रहे होते हो मान जाते हैं। नहीं, मैंने ना ये ना अपनी उससे की ये इनका मैक्सिमम कितनी माइलेज दे सकती है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे मेरी गाड़ी का AC ऑन नहीं था और गाड़ी मेरी 40-50 के बीच में थी। हाँ, इसमें आप क्रूज कर रहे थे। हाँ, चलो, आपने कहा भाई फ्यूल इफिशियंट है, मैं मान गया भाई गाड़ी फ्यूल इफिशियंट है, फिर इसका मतलब इंजन परफॉर्मेंस तो नहीं डाउन होगी क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन है जिसकी मैक्सिमम पावर टॉर्क कम है, लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कंबाइन होकर ये इंजन चलता है तो मैक्सिमम पावर 116 PS और मैक्सिमम टॉर्क आई थिंक 141 या 144 न्यूटन मीटर के करीब ये निकाल देता है। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं साइज के हिसाब से दबती है गाड़ी, माइलेज तो दे दी, अब गाड़ी अंडर पावर चल रही है? देखिएगा, जो टेक्नोलॉजी है ना वो डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और यदि आप ना ओल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में जाते हैं और आज की टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, हाँ जी, तो बहुत ज्यादा गैप आ जाता है, बिल्कुल। तो ये इनका टेक्नोलॉजी को देखते हुए ना ये अंडर पावर नहीं है। अच्छा। और इस गाड़ी में मैंने इसको, मैं हरिद्वार लेके गया, पहाड़ों में लेके गया और हम 4 बंदे थे, ठीक, मेरे को कहीं पे भी ये फील नहीं हुआ कि ये अंडर लोडिंग चल रही गाड़ी, लोड नहीं मानती। यदि किसी के मन में ये डाउट या वहम है ना कि अंडर लोड है तो यार लोड मान जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
स्मूथली चलती है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब ये न्यूली लॉन्च्ड हुई थी तो हमने एक बायर से इनका रिव्यू लिया था। आई थिंक उनकी गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट ही था कि उनकी गाड़ी की ना तो माइलेज निकल रही थी ना ही उनकी गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। बाकी आपसे बातें करके काफी चीजें इम्प्रूव होती जा रही हैं, तो उनको सबसे बड़ा इशू आया था इसकी ब्रेकिंग को लेकर, कि इसकी ब्रेकिंग को लेकर अच्छी खासी उनको आवाजें महसूस होती थी ब्रेकिंग में और जर्क महसूस होता था ब्रेक में। तो क्या आपकी गाड़ी में भी यही प्रॉब्लम्स हैं ब्रेकिंग को लेकर? ब्रेकिंग को लेकर ना इसमें है थोड़ा सा साउंड आता है इसमें, ब्रेक जब आप लेते हैं ना तो वो उनके उस टाइम पे आता है जब आप ना डाउन जा रहे हैं। ओके, उस टाइम पे आएगा। यदि आप ना स्मूथली रहे चल एंड वहां पे नहीं आता आपको, वहां पे नहीं आता। हाँ। तो मतलब ये तो एक गलत और नेगेटिव बात ही हुई। देखिएगा वो उनका डिपेंड आपके ऊपर है कि आपकी स्पीड कितनी स्पीड में है। एंड यदि मैं अपनी ये बात करूं, मैंने इस गाड़ी को 120-130 चलाया हुआ है। और वैसे मैक्सिमम कितने पे पहुंचे? नहीं यार, मैंने इनका लास्ट इसको 140 मैंने इसको चलाया हुआ इस गाड़ी को। और बात करें अगर इसकी राइड क्वालिटी की, भाई मारुति है ठीक है, सस्पेंशन ठीक ठाक ही होते हैं इनके, कचर मचर भी बहुत आती है और उसके अलावा राइड क्वालिटी भी स्टिफ होती है। तो इसकी राइड क्वालिटी स्टिफ है, स्मूथ है, कैसी है? सस्पेंस तो स्टार्टिंग से नहीं है इनका। हाँ, सस्पेंशन नहीं है, सस्पेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ना जब गड्ढा आता है, छोटा सा गड्ढा भी आता है तो आपको फील होता है कि हाँ गड्ढा गया। हाँ वो तो है, वो तो शायद इनका स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मतलब इतनी बड़ी 23 लाख की गाड़ी में भी सस्पेंशन ठीक ठाक ही है, एवरेज है, ठीक ठाक। और एक अगर यहीं पे हम खड़े पीछे की बात करते हैं, भाई इसमें इलेक्ट्रिक मोटर दे दी जो बैटरी से चलती है ठीक है, और वो बैटरीज की वजह से इसका जो बूट स्पेस है ना अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज हुआ है। अगर मैं मानता हूँ 240 लीटर का ही बूट स्पेस इसमें अब बचा है, तो बूट स्पेस, ये तो सीएनजी टैंक वाली बात नहीं हो गई कि कोई सीएनजी वेरिएंट लिया जो कि 15 लाख का आता है, सीएनजी मिल गई गाड़ी सस्ती पड़ेगी, लेकिन बूट स्पेस के साथ कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो तो यहाँ भी हो गया। तो क्या सीन है बूट स्पेस का? देखिएगा इलेक्ट्रिकल और आपकी जो सीएनजी गाड़ी है दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिकल गाड़ी क्या है कि आपकी ना कुछ समय के लिए आपकी पेट्रोल पे चलेगी और कुछ समय की बैटरी पे आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपकी इंजन है इंजन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक ठीक। और यदि आप सीएनजी में जाते हैं तो वहाँ पे ना कहीं कहीं पे आपको अपना अपने इंजन के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं। हाँ, मतलब 5-1 साल उनका इंजन कामयाब है, उसके बाद कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज आ जाते हैं। भाई साहब गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, इस गाड़ी में बिल्कुल नॉइस नहीं है, ना इंजन चालू हुआ और हमारी गाड़ी चलने लग गई, यानी कि बैटरी पे गाड़ी चल रही है। कितनी दूर तक और कितनी देर तक ये बैटरी पे चलती है ब्रदर? देखिएगा कोई फिक्स नहीं है कि गाड़ी बैटरी पे कितने टाइम के लिए चलेगी और कितनी दूरी तक जाएगी, ये डिपेंड है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। ओके। और आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। ठीक है। और यदि आप ये एक्सलेट करेंगे एकदम सडनली तो पेट्रोल पे आ जाएगी गाड़ी। ठीक है। और यदि आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं तो पेट्रोल पे चलेगी, लेकिन जैसे डिस्चार्ज होगी बैटरी और ऑटोमेटिकली गाड़ी पेट्रोल पे आ जाएगी। अच्छा, मतलब यही इनकी स्मार्ट इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है जी, जिसके बारे में बोलते हैं कि भाई साहब कुछ नहीं स्विच करना, कुछ नहीं पंगा छेड़ना, अपने आप सारे काम हो जाते हैं। अब इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा कैबिन के अंदर इशू है ना, वो इसका सनरूफ बोला गया है कि इसमें पैनोरामिक मारुति ने दे दिया जी, लेकिन इसके ऊपर कोई स्किन नहीं दी, जिसकी वजह से मई जून जुलाई इतनी ज्यादा गर्मी फील होती है कि डायरेक्ट हीट सन की सिर पे आती है। तो आपका कोई सोल्यूशन हुआ उस चीज का, या आप डिसअपॉइंटेड हैं उस चीज से कि नहीं है? देखिएगा सोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है। मतलब मार्केट में सोल्यूशन अवेलेबल हो गया? हाँ। मतलब क्या सोल्यूशन अवेलेबल हुआ वैसे? मार्केट में ये है कि आप इस पे फिल्म, अच्छा ब्लैक फिल्म लगवा सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो भी आपको अच्छे लगे। ओके। बाकी इस गाड़ी में सारे फीचर मिलते हैं, सीट्स भी वेंटिलेटेड मिल रही हैं जी, लेकिन ना 23 लाख की गाड़ी है और सीट्स को एडजस्ट करने के लिए पावर बटन इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट नहीं दी, जो कि एक मेजर ड्रॉबैक है। और देखिएगा यहाँ पे हम ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। ठीक है। उसका रीजन ये है कि हमें बार बार सीट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर सिंगल ही ड्राइवर चलाता है तो बार बार क्या कहीं कहीं महीने तक नहीं पड़ती जी, जी। और हैंड ब्रेक भी इन्होंने इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक नहीं दी, पावर स्विच वाली, वो भी देनी चाहिए थी, इतने बजट में तो सारी कंपनियां देती हैं, चाहे किया सेल्टोस हो चाहे क्रेटा हो।
मेरे पास जो ये गाड़ी है ऑटोमेटिक गाड़ी है, जैसे आप पार्किंग मोड पे गाड़ी ऑफ करती हैं तो है। आपको हैंड ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, ये आपने ना एक बड़ा ही ब्रिलियंट आंसर दिया कि भैया जब इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है पार्किंग मोड पे छोड़ेंगे तो हैंड ब्रेक का पंगा ही नहीं, और हमेशा पार्किंग मोड पे तो छोड़ता ही आदमी जी, है ना। एंड यदि आप इसको ड्राइव मोड पे इसको ऑफ करते हैं तो गाड़ी ऑफ नहीं होगी। अच्छा, ऑफ भी ओनली पार्किंग मोड पे आपकी गाड़ी ऑफ होगी। बाकी अगर बात करें ना गाड़ी के ऑल ओवर इंफ्रा की, इंटीरियर की, मतलब ये काफी लेस प्रीमियम है अपनी कॉम्पिटिटर से। अमित जी, आप तो एक बड़ी शांति से इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे रहे हैं ना, बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक आदमी सटीक तरीके से आराम से बात बता रहा है। तुम अब बात करें रनिंग कॉस्ट की, बड़ी सस्ती है भाई, लेकिन क्या उस मेंटेनेंस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट और सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ। तो जो नॉर्मल मारुति गाड़ी है सेम यही रहेगी, ठीक है। हाँ, मारुति का सर्विस नेटवर्क अच्छा है, और बाकी उसके अलावा आप कुछ टायर को लेके प्रॉब्लम बता रहे थे। मैंने जब ये गाड़ी ली थी और गाड़ी लेने के 10 दिन के बाद ही गाड़ी का टायर फट गया था, ठीक है। और गाड़ी का टायर फटने के बाद मैं मारुति शोरूम गया एंड उन्होंने टायर को देखा, बोले सर ये फटा हुआ, फटे हुए टायर को हम नहीं करते चेंज। क्यों, गारंटी वारंटी तो होती है टायर की? बोला मैंने कि गारंटी वारंटी तो होती है, टायर फटा भाई तो वारंटी तो आप दोगे ना। तो उन्होंने ये बोला सर आप अपोलो से कीजिएगा बात, क्योंकि गाड़ी का टायर अपोलो का ही था। यार ऐसे तो कल को कह देंगे कि हेडलाइट भी किसी और की थी। नहीं, उन्होंने ना हमें ना एक टायर डैमेज का एक रिपोर्ट दिया था बना। अच्छा, उन्होंने दिया था ना मारुति वालों ने, तो उसके बिहाफ पे उन्होंने यह बोला है कि आप ऐसे कीजिएगा अपोलो जाइएगा और अपोलो जाके ये रिपोर्ट दे दीजिए, ये रिपोर्ट सबमिट करा दीजिए, इसके बिहाफ पे आपका टायर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अपोलो से मेरी बात हुई, अपोलो मेरे को कहता है कि गाड़ी से जो गाड़ी के साथ टायर आता है उसकी सर्विस नहीं होती, वारंटी सर्विस नहीं होती, सो दैट हम आपके यहाँ पे हेल्प नहीं कर पाएंगे और हम आपका टायर रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके लिए मेरी फाइट भी हुई मारुति के साथ, लेकिन लास्ट में क्या है कि आप फाइट करते रहो लेकिन रिजल्ट। हाँ, उन्हें बाकी ये गलत चीज है, मारुति उन पे थोप रही है, वो मारुति पे वापस थोप रहे हैं, काट पीट के नुकसान तो आपका हुआ ना। तो इतनी सारी अंदर की और बाहर की बातें करने के बाद अब एक भाई से फाइनल बात पूछते हैं कि भाई साहब गाड़ी को लेकर खुश हो या दुखी, हमें क्या सलाह दोगे, हम इस गाड़ी पे 23 लाख रुपए लगाएं या नहीं? मैं इस गाड़ी को लेकर सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट थी मेरी से फुलफिल हो रही है, ठीक है। एंड मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन कुछ इसमें खामियां हैं। हाँ हाँ, खामियां की फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी सस्पेंशन है वो अच्छी नहीं है, स्टिफ है, और हाइब्रिड होने के कारण तो इसका जो बूट स्पेस है वो कम हो गया, ठीक है। एंड इसका जो एसी है, एसी इतना चिल्ड नहीं है, ठीक है। एंड इसका जो सनरूफ है, सनरूफ से थोड़ा हीट आता है, जो एसी की परफॉर्मेंस आपकी हीट हो रही है ना वो सनरूफ की वजह से ही हीट हो रही है। भाई साहब ने सारी बातें सच सच बता दी, भैया का धन्यवाद इतना सच बताने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपके लिए हम ऐसा कंटेंट बनाते रहें।